बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं शक्करकंदी का हलवा, तो आपने मेरे साथ रहना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को स्किप ना किया करें, मेरी वीडियो पूरी देखा करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, और लाइक ज़्यादा किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके तावन का, आपके मोहब्बतों का शुक्रिया। चले जी, दुआओं में याद रखिएगा। हम शुरू करते हैं हलवा बनाना। शक्करकंदी का हलवा बनाना है मैंने, तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने शक्करकंदी ली, इसको मैंने अच्छी तरह छील लिया, छील के धो के इसके मैंने पीसीस काट लिए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, इसमें मैं ये थोड़ा सा पानी बस इतना सा ही डालूंगी, क्योंकि शक्करकंदी दम में ही हो जाएगी। इसको बॉईल कर लें, और अब इसको मैं ढाँप दूँ, चूल्हे की आंच मैं तेज़ कर दूंगी। चलें मिलते हैं बाद बॉईल होने के। शक्करकंदी हमारी बिल्कुल नरम हो गई है, ये देखें, चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। इसको हम इधर ही मैश कर देंगे। अब इसको मैं एक साइड पे रखूंगी, इसका बाकी काम बाद में करेंगे, पहले इसकी चाश बना लें। चूल्हा मैंने जला लिया और ये एक कप मैं दूध डाल रही हूँ, और साथ ही ये एक कटोरी चीनी है, इसमें 6 से 7 चम्मच चीनी के आते हैं ये वाले। आपने कम डालनी है कम डाल लें, ज़्यादा करनी है ज़्यादा कर लें, लेकिन ये दरमियाना मीठा है, ज़्यादा मीठा नहीं होगा, क्योंकि शक्करकंदी में अगर डालें, मेरी 1 किलो शक्करकंदी थी उसमें मैं ये 1 कटोरी डाल रही हूँ, क्योंकि मीठा ज़्यादा हो जाएगा शक्करकंदी में अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो। ये हमने इसी तरह इसको मेल्ट करना है। साथ ही मेरे पास 1 पाव खोया था जो मैं इसी में ही डाल रही हूँ, ताकि ये साथ ही मेल्ट हो जाए, क्योंकि खोया हमारा फ्रीज़र में था इसलिए वो इस तरह का है। अब इसमें मैं मेल्ट कर लूँगी अच्छी तरह। 8-10 मैंने छोटी इलायची है जो अच्छी तरह कूट ली, वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। शक्करकंदी में बाद में डालेंगे, क्योंकि सारा कुछ उसमें हमने डालना है, तो इसलिए इसमें मैंने मिक्स कर दिया, इसकी खुशबू अच्छी आएगी। ये चीनी मेल्ट करने के लिए हमने जो दूध डाला है, क्योंकि शक्करकंदी में पानी नहीं डालना था इसलिए दूध डाला है, ताकि इसके जायके में फ़र्क ना पड़े। अगर हम पानी डालते हैं तो उसमें वो पानी पानी का जायका आएगा, और भूनते हुए भी हमें टाइम लगेगा, इसलिए हमने इसमें दूध डाला है। ये देखिए, खोया भी सारा मेल्ट हो गया और ये चीनी भी सारी हल हो गई है, क्योंकि खोया मैंने काफ़ी दिनों से फ्रीज़र में रखा हुआ था इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगा है मिक्स होते हुए। ये जी हमारा ये अमेज़ा तैयार हो गया है। अब हम शक्करकंदी की तरफ चलें। शक्करकंदी मैंने अच्छी तरह बारीक कर ली थी, अब उसमें मैं ये घी डाल रही हूँ, तकरीबन ये 1 छोटी कटोरी है, ये भी जमा हुआ था, और ये मैं, क्योंकि इसमें घी ज़्यादा डलता है इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा घी डाला है। अब आँच हम थोड़ी तेज़ कर लेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। आँच हम हल्की रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ रखी तो ये जल ना जाए नीचे से। घी भी हमारा अभी मेल्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसमें देसी घी नहीं है तो दूसरा घी डाल सकते हैं, ऑयल ना डालें, ऑयल की स्मेल आएगी इसमें, फिर ये खाया नहीं जाएगा। तो आपने इसमें ये या दूसरा घी जब डालेंगे तो फिर उसको उसमें इलायची पहले डाल के अच्छी तरह पका लें, ताकि उसका जो जायका है कच्चा पन है वो ख़त्म हो जाए। ये बहुत मज़ेदार हलवा बनता है, जो बच्चा शौक से शक्करकंदी खाता है उसको तो बहुत अच्छा लगेगा।
शक्करकंदी के फायदे भी बहुत हैं, बच्चों को खानी चाहिए। आजकल के मौसम में ये आती हैं, बस कुछ घरों में ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे घरों में तकरीबन बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो हम चटनी दूसरी डालने की बजाय मीठी ज़्यादा बनाते हैं, दूध में खीर बनाते हैं इसकी, और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। मैंने अपने चैनल पे पहले भी बनाई है शक्करकंदी की खीर, शायद आपने देखा होगा, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है खीर का भी। इसको हमने अच्छी तरह भूनना है, ये देखिए इस तरह इसको हिलाते रहना, अगर हम नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे से लग जाएगा। ये देखिए भूनते भूनते इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया। अब ये थोड़ी सी और हम भूनेंगे ताकि इसकी खुशबू और अच्छी आए, फिर मैं इसमें कुछ डालूंगी। बस इसका हिलाना ही काम है, बाकी ये बन तो जल्दी जाता है लेकिन थोड़ी देर ये हिलाने पे लगती है। ये देखिए कैसा ज़बरदस्त सा हो गया इसका कलर, लेकिन अभी ये थोड़ा सा हम और भूनेंगे फिर ये सही होगी। ये देखिए इतना भुना है कि अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब जो खोया, चीनी और इलायचियाँ हमने डाली थी, अब वो मैं सारा मेज़ा इसमें डाल रही हूँ। खोया इसमें इसलिए ज़रूरी है कि ये हलवा चीनी से भी बन जाता है, लेकिन खोए से इसके टेस्ट में चार चांद लग जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त सैका आ जाता है खोए से, और कोई कह नहीं सकता कि ये शक्करकंदी का हलवा है। बिल्कुल डिफरेंट जायका हो जाएगा। अब इसको हमने भूनना है इतना कि ये भी घी अब छोड़ेगा। इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे मुझे हिलाते हुए, फिर ये तैयार होगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा तैयार हो गया। इसने देखिए चिकना छोड़ना शुरू कर दिया है, और बड़ा ही जल्दी बनने वाला हलवा है। आपने इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये हलवा कैसा लगा। ये देखिए इसने घी छोड़ दिया। 1 किलो मेरी शक्करकंदी थी जिसमें मैंने तकरीबन एक पाव घी डाला होगा, 250 ग्राम। तो चीनी आप इसमें अपने जायके के हिसाब से डालें, मैंने हल्की डाली है, आपको अगर ज़्यादा डालना हो तो ज़्यादा डाल लें, नहीं तो ये परफेक्ट मीठा है, ज़्यादा ना तेज़ है ना कम है। ये देखें इसने घी छोड़ दिया है, हलवा हमारा तैयार हो गया है। अब मैं बंद करती हूँ इसको। ये देखिए घी ऊपर आ गया अब माशाल्लाह से। चले इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा सूजी का हलवा तैयार है। आपने इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर, सॉरी शक्करकंदी का हलवा मैं भूल गई थी, तो आपने इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। ये देखें बिल्कुल सूजी के हलवे की तरह लग रहा है, इसलिए मेरे मुंह से सूजी का हलवा ही निकला। आपने इसको बनाना भी है और कमेंट्स में मुझे बताना भी है कि आपको ये कैसा लगा। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।